अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई मतलब अलग ही लेवल का बंदा था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को तो भाई फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम पहली बार सीजन में हमने ऐसा देखा है कि रिया मरिड ने डोमिनेट करा है सामने वाली टीम को और एक कन्विंसिंग तरीके से हमें एक जीत दिलाई है एंड टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से हमने सेकेंड हाफ में खेला है ना आई थिंक इसको देख के हम क्लियरली कह सकते हैं दैट वी आर सेटिस्फाइड फाइनली एज फैंस एंड फाइनली हमें ये डिस्प्ले देखने को मिल गया जहां पर वी कैन डेफिनेटली से कि हाँ भाई ये ऐसी टीम खेलनी चाहिए ऐसा परफॉर्म करना चाहिए दोस्तों गेम के बारे में तो इन डिटेल बात करेंगे ही करेंगे लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए और आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं करा

चारों के चारों सुपर स्टार्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है भाई मैच में चारों के चारों सुपर स्टार्स ने एक साथ लिंक किया है एम्बापे का जो गोल था वो ऑब्वियसली एंड्रे की पेनल्टी के वजह से आया वी नो दैट बट एम्बापे की असिस्ट वो आयाशियस का गोल था विनीशियस की असिस्ट आई थिंक वो रोड्रिगो का गोल था एंड रोड्रिगो का गोल तो ऑब्वियसली काउंट होगा बेलिंगम का असिस्ट भाई बेलिंगम का असिस्ट टू कारवाहल तो यार यहाँ पर आपके सुपर स्टार्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया आपके है आपके सुपर स्टार्स ने मैच जिताया भाई तो डेफिनेटली दीज आर पॉजिटिव ज आर पॉजिटिव फ्रॉम दिस मैच एंड ये काउंट करने चाहिए क्यों नहीं करने चाहिए भाई बिकॉज एज माधरी दिस्ताज हमने पिछले छह सात मैचेस में सफरिंग देखी है हमने देखा है हमारी टीम को सफर हमने यू नो कारोडी ने जो एक बोल्ड स्टेटमेंट दी थी बिफोर द स्टूड गार्ट मैच उन्होंने ये कहा था दैट यू नो वी आर रियामरेड एंड वी नो हाउ टू सफर बट द थिंग इज की वाई शुड वी सफर इन गेम्स लाइक दिस भाई बिकॉज हमने कोई बड़ा मैच नहीं खेला है हमने एथलेटिको मेड बानो या फिर कोई बड़ा मैच नहीं खेला तो वाई शुड वी सफर इन दीज स्मॉल गेम्स एंड यहां पर आपकी टीम ने आपको पे बैक कराया

बिकम द फर्स्ट लालिका गोलकीपर ऑफ द फर्स्ट गोलकीपर इन लालिका जिसने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में ओन गोल खाया गोलकीपर ने नहीं खाया था भाई कभी भी ओन गोल हैज़ बिकम द फर्स्ट गोल कीपर जिसने इन लाली का बट चलो कोई बात नहीं यार गलतियां सबसे होती है पर आई हैव दिस फीलिंग कि यार अब तक कैसे इज हैविंग यू नो वाली गोल्स बिकॉज ये बहुत पहले होता था, था बैक इन डेज जब मेसी ने मारे थे नटमैग गोल्स अगेंस्ट कोर्तुआ यू नो इट हैज़ नेवर हैपेन्ड कोरुआ के साथ आइट्रियाम जब उसने यू नो बिटवीन द लेग्स गोल खाए हूँ एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज मतलब बहुत टाइम से ऐसा हुआ नहीं है दैट वो एरिया अभी भी उसकी वीकनेस है एनीवेज कोर्टवा को मैं दूंगा टोटल सिक्स आउट ऑर टेन नॉट मच टेस्टेड बट जब टेस्ट हुआ ही वॉज इट टू द मार्क तो सिक्स आउट ऑफ टेन दूंगा आई थिंक आइडियली फाइव आउट टेन देना चाहिए कारवाहल की बात करूं तो कारवाहल को इतना टेस्ट नहीं किया गया दो तीन अच्छे ऑपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए थे कारवाल ने ऑफेंसिवली स्पीकिंग डिफेंसिवली नॉट दैट मच टेस्टेड आउट ऑफ दूंगा मैं कारवाल को भी यहां पर फ्रान फ्रांडसिया की बात करूं तो अगेन स्टिल मेकिंग सिली मिस्टेक्स आई थिंक बहुत ही अंडर प्रेशर है द प्रेशर ऑफ प्लेइंग एट रिया द प्रेशर ऑफ बी मरिड प्लेयर हैज गॉट इन टू फ्रान फ्रार्सिया एंड इसके तहत मैं सिंपल एक सोल्यूशन पुटअप करूंगा कम दिस विंटर ट्रांसफर मार्केट या फिर कम दम अपकमिंग समर ट्रांसफर मार्केट या तो इस प्लेयर को बेच दो या तो इस प्लेयर को लोन पे बेच दो भाई बिकॉज दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क इस बंदे को बहुत प्रेशर है एंड इट इज बेस्ट फॉर हिम एंड फॉर या कि ये क्लब को छोड़ के चले जाए एटलीस्ट फॉर टाइम बिफोर ही गेट्स हिस गेम राइट तो यहाँ पर गार्सिया ने बिल्कुल मेरे को कन्विंस नहीं किया फाइव ऑर्डर टेन फॉर फ्रॉन गार्डसिया डिफेंडरों की बात करें तो मिलिटा और चुआ को साथ में स्टार्ट करते हुए देख मैं शॉक्ड हो चुका था मैं हैरान था पर ऑल इन ऑल अगर देखू मिलिटाउ की परफॉर्मेंस काफी सॉलिड लगी बिकॉज उसने गोल्स स्कोर एक क्रिएट करे यू नो दो बहुत ही अच्छी ऑपरचुनिटी थे फॉर मिलिटाओ हिम सेल्फ टू स्कोर बट हीट आई डोंट नो वाई पास द बॉल ट दैट इज वॉट इट इज भाई डिफेंसिवली मिलेटा ने बॉल को रिकवर बहुत अच्छी तरीके से किया चुआ की एक साइलेंट नाइट थी तो मैं चुआ मिनी को सिक्स आउट ऑफ टेन दूंगा मिलिटा को मैं ऑन दी अर एट आउट ऑफ दे दूंगा बिकॉज ही वॉज वेरी मच एक्टिव इन द बिल्डअप ऑफ द गेम तो मिलेटा एक बहुत ही सोलर परफॉर्मेंस था यहां पर अगर मिड फील्ड की बात कर रही होगी माई मॉड्रिज वॉज कंट्रोलिंग द स्ट्रिंग्स बाई इट इज वेरी ऑब्वियस मॉडरिज कंट्रोल कर रहा था स्ट्रिंग्स फ्रॉ द बैक बाई मॉड्रिज से आपको दिखा एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बिकॉज डीपर एरिया से बॉल को कैरी करके आगे लेके जा रहा था वॉज यू नो प्लेइंग दो लॉन्ग बॉल्स इन कनेक्टिंग विद प्लेयर तो आई थिंक

अगर मुझे आर्धा गुलर की बात करनी हो जिस तरीके से वो ट्विस्ट एंड टर्न ले रहा था ना भाई इट वॉज वेरी वेरी गुड टू सी एंड मैं आर्धा गुलर के परफॉर्मेंस से भी काफी काफी खुश हूँ एंड आई थिंक आर्धा गुलर को भी मैं सेवन आउट ऑफ टेन दूंगा मॉडरेच और वेलवर्डे को भी मैं सेवन आउट ऑफ टेन दूंगा अगर मुझे अटैक की बात करनी हो रॉड्रिगो इन द फर्स्ट हाफ वॉज अ बिट ओकेश मतलब रॉड्रिगो इन द फर्स्ट हाफ उतना क्लिक नहीं कर रहा था दो तीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे पर इतना कुछ नहीं किया पर सेकंड हाफ में ही रिडीम्ड गोल उसने बताया कि हाँ भाई लेफ्ट विंग मेरी पोजिशन है मैं भी एक लेफ्ट विंग करू मैं भी लेफ्ट विंग पे थ्राइव कर सकता हूं उसने लिए दिखा दिखा दिया भाई तुमको तो रोड्रिगो ने पूरी मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर लिया एंड यू नो ही हैज रिमाइंडेड अस

पेनल्टी गोल देखना है मुझे एम्बापे का एक गोल स्कोरिंग बैंगर देखना है भाई तो दैट इज वन यू नो अप फॉर तो आई थिंक एंड होपफुली अगेंस्ट आई या फिर अगेंस्ट एथलेटिको मर्डिट हमें वो देखने को मिलेगा और कोई प्लेयर आई होप मैंने ना छोड़ा हो आई थिंक हैव कवर्ड ऑल द प्लेयर्स वेरी मच बाकी तो यार जितने भी प्लेयर और इंट्रोड्यूस किए थे एंड्रिक एंड्रिक अ वेरी गुड टेन फिफ्टी मिनट्स आई थिंक सामने एंड्रिक डिजर्व स्टार्ट कार्लो एंड कह भी रहे थे कि इन दी अपकमिंग लाली का गेम्स एंड्रिक को स्टार्ट में तो होप इस मैच में एंड्रिक को स्टार्ट मिल जाए भाई बिकॉज हीज अर्ड इट ही इज डिजर्व भाई ऑल एंड ऑल अगर मुझे पूरे मर्ज की गेम की अगर यहाँ पर बात करनी होगी तो आई थिंक इट्स अ प्रेगमेटिक फुटबॉल एंड द रीजन वाइफ मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ इतनी बड़ा चढ़ा के स्पेनियर जैसी टीम के सामने बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वी हैड Is this. से अब आपकी पॉजिटिविटी बिल्ड होगी यहाँ से आपका मोमेंटम बिल्ड होगा इंपॉर्टेंट गेम्स भी शुरू होंगे तो दिस इज पॉजिटिव फुटबॉलिंग रोड्रिगो तो दिस वॉज गुड फ्रॉम रियामर एंड इवन अगेंस एलव देखना चाहूंगा यहाँ पर आप चेंजेस को स्टार्ट मिले एंड्री को स्टार्ट मिले एंड प्रोबली आर दूलर या फिर रोड्रिगो को स्टार्ट मिले देखते हैं क्या होता है भाई एलवेज के सामने हमें यहाँ पर थोड़ी सी इंजरी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है बिकॉज बेलिंग को एक शोल्डर की प्रॉब्लम है बाकी रोद्रिको को एंगल में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो गया था तो यहाँ पर ये यह भी एग्जामिन करना पड़ेगा बट दोस्तों यही था आज का वीडियो अब तीन बजे रात के भाई अब फाइनली सोते हैं इसी के साथ हला मदरी नवाज हसैद पिना वामूसियाल